हाई एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 16th एंड 17th ऑफ नवंबर 2020 के न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस करेंगे ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस एंड फ्रॉम PIB प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो। सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट फर्दर डिले। सो सबसे पहली जो न्यूज़ है, इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस। तो 16 नवंबर को इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस मनाया जाता है, ठीक है। द इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस इन सेलिब्रेटेड ईयरली टू जनरेट पब्लिक अवेयरनेस ऑफ द डेंजर्स ऑफ इंटॉलरेंस। तो 1995 से ये स्टार्ट हुआ था, 1995 से। और जो मेंबर स्टेट है यूनेस्को के, जो यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनेस्को, तो ये प्रमोट करते हैं कि दुनिया में शांति और पीस बनी रहे, सिक्योरिटी अडॉप्ट हो इन द डिक्लेरेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑन टॉलरेंस, ठीक है। दूसरा जो सेलिब्रेट किया जाता है 16th ऑफ नवंबर को, नेशनल प्रेस डे। नेशनल प्रेस डे सेलिब्रेट किया जाता है 16th ऑफ नवंबर। द डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, है ना, टू कॉमोमरेट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। जो PCI है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, तो ये इसी दिन बनी थी, ठीक है। तो इस वजह से क्या बनाया जाता है, नेशनल प्रेस डे 1966 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, 1966 में। एंड प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, अगर इसके बारे में पूछा जाएगा, तो ये क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एडजुडिकेटिंग ऑर्गेनाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया फॉर्मड इन 1966 बाय इट्स पार्लियामेंट, ठीक है। तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है 1966 में। और द डे मार्क्स द प्रेजेंस ऑफ फ्री एंड रिस्पॉन्सिबल प्रेस। अब यहाँ पे आज के भी एडिटोरियल्स में जो दो एडिटोरियल्स हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू पॉपुलर बंगाली फिल्म एक्टर सौमित्रा चैटर्जी, ठीक है। तो इनकी अभी रिसेंटली डेथ हो गई थी, ही पासिस अवे। सो लेजेंडरी बंगाली एक्टर सौमित्रा चैटर्जी, ही वॉज टेस्टेड positive for COVID-19 which was later developed into multiple complications leading to his demise, ठीक है। तो अब इनको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी मिला था, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, एंड ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज कोलाब्रेशन विद ऑस्कर विनर लेजेंडरी डायरेक्टर सत्यजीत रे, ठीक है। तो सत्यजीत रे के साथ इन्होंने काफ़ी मूवीज बनाई थी, अपूर घर करके एक मूवी है, वो सब भी हैं, है ना इसमें। देन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज 2020 जो है, वो सदत रहमा ने जीता है, बांग्लादेश की एक टीन है ये, अगर सदत रहमा वॉन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज 2020, एंड ही वॉन दिस अवार्ड फॉर हिज इन्वॉल्वमेंट इन सेटिंग अप हिज सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड मोबाइल ऐप साइबर टीम्स, ठीक है। तो ये साइबर बुलिंग के लिए जो है, ये ताकि जो साइबर बुलिंग है वो ना हो, तो इसके लिए एक मोबाइल ऐप बनाई है साइबर टीम्स करके, ठीक है। तो ये जो अवार्ड था, अगर हम इस अवार्ड की बात करें, इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज, तो ये दिया जाता है 2005 में इंस्टीट्यूट किया गया था। एक्चुअली माई नीस, ये मेरी भांजी है, तो आई थॉट कि शी इज़ इन डीप स्लीप, बट वो जग गई, तो अभी ठीक है, हम डिस्कस कर लेते हैं 16 नवंबर 2020 का, अभी इंटरप्शन नहीं होगी, सॉरी फॉर दैट। तो देख लेते हैं प्रोजेक्ट एयर केयर, ठीक है। प्रोजेक्ट एयर केयर जो है, ये कहाँ का इनिशिएटिव है, अगर ये पूछा जाए कौन से स्टेट का है, तो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया था प्रोजेक्ट एयर केयर टू कम्बैट पोल्यूशन इन गुड़गांव, ठीक है। तो गुरुग्राम में पोल्यूशन को कम्बैट करने के लिए प्रोजेक्ट एयर केयर लॉन्च किया गया, और इसमें जो है, दीज डिवाइसेस कैन रिड्यूस PM10 बाई 60-70% एंड PM2.5 बाई 30-40% इन ट्रैफिक जंक्शंस। और इन्होंने क्या क्रिएट किया है, बाय नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट IIT बॉम्बे, ठीक है। तो ये है एक इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट न्यूज़ जो है, इकोनॉमिक स्टिमुलस 4.0, ठीक है, 4.0 या 4.0, तो ये अनाउंस किया है फिनेंस मिनिस्टर ने, निर्मला सीतारमण ने। एंड अंडर दिस पैकेज, दिस मिनिस्ट्री मेड द फॉलोइंग अनाउंसमेंट। तो 6,000 करोड़ जो है वो नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए, ये आप देख सकते हो ये सब किस किस चीज़ के लिए है, जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल APIs हैं, है ना, उनके लिए भी, उसको प्रमोट करने के लिए, इनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी स्कीम में इतने रुपए दिए जाएंगे। एंड आइडियाज़ स्कीम एलोकेटेड फॉर फर्टिलाइजर सब्सिडीज, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन एनर्जी एंड डिफेंस इक्विपमेंट। एंड इन एडिशन टू बूस्ट एम्प्लॉयमेंट, द सेंटर हैज़ लॉन्च द आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्चेज न्यू जॉब स्कीम नेम्ड आत्मनिर्भर भारत, तो यही है आत्मनिर्भर भारत, क्या किए, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, ठीक है। तो सेंटर ने ये स्कीम लॉन्च की है, एंड सेंटर गवर्नमेंट जो है सब्सिडी देगी
2 साल के लिए जो न्यूली एलिजिबल एम्प्लॉयज होंगे एंगेज्ड ऑन और आफ्टर 1 to 2020 अंडर दिस स्कीम, ठीक है। तो द योजना विल बेनिफिट न्यू एम्प्लॉयज ऑफ EPFO रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड न्यू एम्प्लॉयज हु हैड लॉस्ट देयर जॉब्स। तो जो मार्च 1, 2020 से और सितंबर 30, 2020 के बीच में जिनकी जॉब चली गई है इन द टाइम ऑफ पेंडेमिक सिचुएशन, तो उनको भी मतलब स्टेबल किया जाएगा, है ना। बिरसा मुंडा, तो 15th of November को बिरसा मुंडा का बर्थ एनिवर्सरी थी, ठीक है। बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बिरसा मुंडा वॉज ऑब्जर्व ऑन November 15th एंड झारखंड जो था, झारखंड स्टेट क्रिएट हुआ था, ठीक है, 2000 में 15th of November को ही झारखंड स्टेट वॉज क्रिएटेड। एंड बिरसा मुंडा आपको पता है ये फोक हीरो थे, इनको धरती अब्बा और द अर्थ फादर भी बोला जाता था। मुंडा ट्राइब से ये बिलोंग करते हैं और काफ़ी ज़्यादा मतलब जो बिहार और झारखंड बेल्ट में 19th सेंचुरी में एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ था तो उसके लीडर थे। बिरसेट क्या है, बिरसा वॉन्टेड टू रिफॉर्म द ट्राइबल सोसाइटी एंड ही अर्ज देम टू लेट गो टू ऑफ बिलीव्स इन विच क्राफ्ट एंड इंस्टेड स्ट्रेस्ड ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रेयर, है ना। तो उन्होंने कहा कि विच क्राफ्ट जो होता है ये नहीं सही है, इसके अलावा आपको क्या करना चाहिए, इसकी जगह पे प्रेयर्स करनी चाहिए और अल्कोहल से दूर रहना चाहिए, भगवान पे विश्वास रखना चाहिए एंड ऑब्जर्विंग अ कोड ऑफ कंडक्ट बेस्ड ऑन दिस ही स्टार्टेड द फेथ ऑफ बिरसेट, ठीक है। तो तब उन्होंने एक बिरसेट ये स्टार्ट किया, फेथ ऑफ बिरसेट, ठीक है। तो ये है इम्पोर्टेंट। और अचीवमेंट्स, एक उलगुलान, उलगुलान पता है आपको मूवमेंट, ठीक है, द ग्रेट ट्यूमल्ट, हिज स्ट्रगल अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट ट्राइबल लेड टू अ बिग हिट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ द छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, ठीक है। तो अब 1908 में ब्रिटिशर्स ने क्या एक्ट पास किया था, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, ठीक है। उसके बाद ये जो एक्ट था ये रिस्ट्रिक्ट करता था जो भी लैंड है ना, कि ट्राइबल पीपल से नॉन ट्राइबल पीपल को देना, ऐसे नहीं, इतनी आसानी से नहीं वो दे सकते थे लैंड को, ठीक है। तो ये है बिरसा मुंडा 15th November। देन अभी कल ही जो चीफ मिनिस्टर हैं ऑफ बिहार, ठीक है, उन्होंने ओथ लिया है, नीतीश कुमार ने, और 15 15 लोगों ने साथ में मिलके ओथ लिया है, ठीक है। तो जनता दल यूनाइटेड के प्रेसिडेंट है कौन, नीतीश कुमार, तो हैज़ बीन इलेक्टेड लीडर ऑफ द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस लेजिस्लेचर पार्टी इन बिहार। ही विल नाउ टेक ओथ एज चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट फॉर द 4 consecutive term, ठीक है। तो एक तो इम्पॉर्टेंट बात ये होगी, 4 consecutive term के लिए चीफ मिनिस्टर हैं और 2 deputy chief minister भी वहाँ पे बनाए हैं, ठीक है, 2 deputy chief minister वहाँ पे बिहार में हैं। अब देखो, चीफ मिनिस्टर जो अपॉइंट किया जाता है गवर्नर के द्वारा किया जाता है और जो हमारे संविधान का आर्टिकल 164 है वो क्या प्रोवाइड करता है कि दैट देयर शेल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द चीफ मिनिस्टर एट इट्स हैंड टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर, ठीक है। तो हु कैन बी अ चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर कौन बन सकता है, तो जैसे अभी जैसे जनरल इलेक्शन हो गए हैं, ठीक है, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, सो जो पार्टी है या फिर जो कोलिशन ग्रुप है जिसने मेजॉरिटी सिक्योर की है हाउस में, तो वो क्या करते हैं, अपने एक लीडर को इलेक्ट करते हैं और कम्युनिकेट हिज नेम टू द गवर्नर, ठीक है, वो गवर्नर को सौंपते हैं एंड देन गवर्नर देन फॉर्मली अपॉइंट्स हिम एज द चीफ मिनिस्टर, ठीक है। तो ये सब लोग क्या भेजते हैं, अपने एक लीडर का नाम जो है गवर्नर को भेजते हैं, उसके बाद गवर्नर जो है CM को अपॉइंट करता है एंड आस्क हिम फ्रॉम हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और अगर क्लियर मेजॉरिटी कहीं पे नहीं मिली स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो गवर्नर जो है नॉर्मली वो जो लीडर होता है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का, ठीक है, तो उससे ही बोल देता है कि आप गवर्नमेंट को फॉर्म करो, ठीक है। टेन्योर की अगर हम बात करें तो थियोरेटिकली चीफ मिनिस्टर होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, ठीक है, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में होता क्या है, चीफ मिनिस्टर रिमेन इन ऑफिस सो लॉन्ग एज ही कंटिन्यू टू बी द लीडर ऑफ द मेजोरिटी इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। तो जब तक वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का रहना चाहे लीडर, तो तब तक वो रह सकता है। द गवर्नर कैन डिसमिस हिम इन केस ही लूजेस हिज मेजोरिटी सपोर्ट, और रिमूव कैसे कर सकते हैं, पासिंग अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट हिम, ठीक है। पावर्स एंड फंक्शन यही है कि एडवाइज और एड देना गवर्नर को, और चीफ मिनिस्टर एज इज एट द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड लीडर होता है हाउस का, और वो गवर्नर से जितने भी सारे डिसीजन होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट, तो वो कम्युनिकेट करता है टू द गवर्नर एंड जो पॉलिसीज होती हैं फ्लोर ऑफ द हाउस में वो अनाउंस्ड की जाती हैं उसके द्वारा, और डिसोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली टू गवर्नर एंड गवर्नर को एडवाइस करता है रिगार्डिंग समनिंग
प्रोरोगिंग एंड सेशंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है, तो ये इसको याद रखना है. नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल दैट इज मेगा ट्रेड ब्लॉक आरसेप टेक्स ऑफ, ठीक है, तो आरसेप जो है फाइनली ये फॉर्मलाइज हो गई है. क्या है ये? रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स, ठीक है, तो तीन चार आर्टिकल तो मतलब ऑलमोस्ट ज़्यादातर न्यूज़ पेपर इससे भरा हुआ है, ठीक है, तो ये साइड लाइन में हो रही थी 37th एशियन समिट के, ठीक है, 37th एशियन समिट, तो आरसेप, ठीक है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप. अभी आरसेप के बारे में देखें तो 15 कंट्रीज लेड बाय चाइना, ठीक है, तो 15 कंट्रीज, आपको 10 तो एशियन नेशन है उसका पता होना चाहिए, 10 कंट्रीज, और 5 का आपको नाम याद रखना है, ठीक है, 10 एशियन मेंबर्स और 5 कंट्रीज, तो 5 कंट्रीज वो कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड, ठीक है. पहले इंडिया भी था इसमें 16, लेकिन इंडिया केवल निगोसिएशन पीरियड तक हम थे, है ना, 2019 में हमने पुल आउट कर लिया था इस डील से. तो ये है ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड, तो इसको आप याद रखना, ठीक है, जापान ऑस्ट्रेलिया एंड जापान ऑस्ट्रेलिया और क्या है न्यूजीलैंड, ठीक है, और साउथ कोरिया, साउथ कोरिया एंड चाइना, ठीक है, तो आप इस तरीके से निमोनिक भी याद कर सकते हो, ठीक है, JAAN जान सू ची, है ना, तो ये अभी जस्ट मैंने क्रिएट किया है इसको याद रखने के लिए, सू ची, तो JA फॉर जापान हो गया, JA फॉर जापान एंड A फॉर ऑस्ट्रेलिया, N फॉर न्यूजीलैंड एंड SOU सू मतलब साउथ कोरिया एंड ची मतलब हो गया चाइना, तो ये अच्छा एक निमोनिक बन गया. दिस ग्रुप इज एक्सपेक्टेड टू रिप्रेजेंट एटलीस्ट 30% ऑफ ग्लोबल GDP विल इमर्ज एज द लार्जेस्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इन द वर्ल्ड, और जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं अक्रॉस द एशिया पैसिफिक रीजन, तो यहाँ पे कॉमर्स को ये बूस्ट करेगा. एम्स एंड ऑब्जेक्टिव पता है कि टैरिफ्स को लोअर करना और जो ट्रेड सर्विसेज हैं, इन्वेस्टमेंट हैं, उनको प्रमोट करना, है ना, और जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस करना, कंपनीज को हेल्प करना बाय अलाउइंग देम टू एक्सपोर्ट अ प्रोडक्ट एनीवेयर, कि कहीं पे भी उनके जो प्रोडक्ट है वो पहुंचे आसानी से विद इन द ब्लॉक विदाउट मीटिंग सेपरेट रिक्वायरमेंट्स, कि हर एक कंट्री से मतलब सेपरेट एग्रीमेंट नहीं करने पड़ेंगे, है ना, सारा फ्रीली ट्रेड होता रहेगा. इट ऑल्सो टचेज ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बट विल नॉट कवर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड लेबर राइट्स, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये स्टेटमेंट चेंज भी हो सकती है कि इट ऑल्सो टचेज ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड ऑल्सो कवर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शंस एंड लेबर राइट्स, बट इसको याद रखना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को ही कवर करता है, नॉट कवर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शंस एंड लेबर राइट्स को कवर नहीं करता है, ठीक है. और अगर हम बात करें कि व्हाई डज इट मैटर, तो इट मैटर्स बिकॉज इट सेट्स अ न्यू ट्रेड रूल्स फॉर द रीजन एंड चाइना इज बैकिंग बट डज नॉट इंक्लूड द यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, तो इसमें यूनाइटेड स्टेट्स नहीं है और ये इम्पॉर्टेंट है. अब इंडिया क्यों नहीं है इसमें, क्योंकि लास्ट ईयर हमारे कुछ कंसर्न्स थे कि जो चीप चाइनीज़ गुड्स है वो हमारी कंट्री में एंटर करेगा और फिर हमारे यहाँ के जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर हैं जैसे डेयरी, इन सारे सेक्टर पे काफ़ी ज़्यादा ड्रेस्टिक इम्पैक्ट पड़ेगा, तो इस वजह से हमने इसको साइन नहीं किया है, ठीक है. जैसे हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, डेयरी, एग्रीकल्चर, तो वर फ्लैग्ड एज 3 वल्नरेबल इंडस्ट्रीज़, तो ये एक रीज़न है. नेक्स्ट जो न्यूज़ है, ट्रिस्टन द कुन्हा, ये न्यूज़ में था, तो ट्रिस्टन द कुन्हा जो है थर्ड, देख लेते हैं यहाँ पे था ये, ठीक है, ये है ट्रिस्टन द कुन्हा, यहाँ पे आपको ये मैप दिख रहा है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट ये है, साउथ अफ्रीका, ये नामीबिया, अंगोला, ठीक है, सेंट हेलेना, और ये ट्रिस्टन द कुन्हा अटलांटिक ओशन में ये है. तो यहाँ पे क्या है, ट्रिस्टन द कुन्हा इज इनहैबिटेड बाय लेस देन 300 ह्यूमंस, ठीक है, यहाँ पे केवल 300 से भी कम ह्यूमंस है. इट इज़ अ स्मॉल चेन ऑफ आइलैंड ओवर 6,000 माइल्स फ्रॉम लंदन इन द साउथ अटलांटिक एंड द वाटर अराउंड द आइलैंड्स आर कंसीडर्ड टू बी द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है. अब ये जो है यूके की ओवरसीज टेरिटरी है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, साउथ अटलांटिक ओशन में ये क्या है, यूके की टेरिटरी ऑफ यूके, यूनाइटेड किंगडम की, ठीक है. एंड इट वॉज रिसेंटली डिक्लेयर्ड द लार्जेस्ट फुली प्रोटेक्टेड मैरीन सर्विसेज रिजर्व इन द अटलांटिक ओशन एट 68,07,000 स्क्वायर किलोमीटर्स, ठीक है, तो इसको ये याद रखना है, इस वजह से इट वॉज इन न्यूज. एंड तो यहाँ पे जो है पुर्तो रिको जो था यहाँ पे न्यूज में था, फॉर द थर्ड टाइम इन 10 ईयर्स द यूनाइटेड
स्काई किट्स टेरिटरी ऑफ प्यूर्टो रिको हैज़ वोटेड इन फेवर ऑफ स्टेटहुड। ठीक है, तो ये स्पैनिश स्पीकिंग आइलैंड है जो कैरेबियन सी में लोकेटेड है, और जब क्रिस्टोफर कोलम्बस ने 1493 में जो थी डिस्कवरी की थी इसकी, सो प्यूर्टो रिको वॉज अ पार्ट ऑफ द स्पेनिश एम्पायर फॉर ओवर 4 सेंचुरीज। ठीक है, 1898 तक ये क्या रहा, स्पेनिश एम्पायर का ही पार्ट रहा, लेकिन इसको बाद में जो था यूएस ने एनेक्स कर लिया था। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स एनेक्स्ड बाय द 1898 के बाद। ठीक है, इन 1917 प्यूर्टो रिकन्स वर ग्रांटेड यूएस सिटीजनशिप। ठीक है, इनको यूएस की सिटीजनशिप भी मिली, बट द आइलैंड इटसेल्फ वाज नेवर मेड अ फुल स्टेट एंड कंटिन्यूज टू रिमेन अ यूएस टेरिटरी अलॉन्ग विद गुआम। गुआम आपको पता होगा, न्यूज़ में था, नॉर्थ मैरियाना आइलैंड एंड अमेरिकन समोवा एंड यूएस वर्जिन आइलैंड। ठीक है, तो ये है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सैन जुआन, मोना, पुर्तो रिको। ठीक है, ये यूएस की टेरिटरी है, और जो तीन क्या कुन्हा था वो त्रिस्टन द कुन्हा। ठीक है, ये है यूके की ओवरसीज टेरिटरी है ना, तो ये इसको याद रखना है। एंड नेक्स्ट अभी ब्रिक्स है, तो ब्रिक्स की जो आज की न्यूज़ है वो भी मैंने इसमें ऐड की हुई है, 17th of November के नोट्स, ये आप देख सकते हो। ठीक है, तो मोदी टू अटेंड ब्रिक्स समिट, तो ब्रिक्स समिट अटेंड करेंगे, शेयर प्लेटफॉर्म विद जी अगेन। तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं न्यूज़, तो 12 ब्रिक्स समिट ये होगी, होस्टेड बाय रशिया, विल बी ग्लोबलिस्ट। थीम जो है, थीम याद रखना, थीम क्या है 12th ब्रिक्स समिट की, पहली चीज़ 12वीं है, दूसरी चीज़ थीम जो है 2020 की 12th की, ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। ठीक है, ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ, तो ये होस्ट करेंगे प्राइम मिनिस्टर, मतलब रशिया के द्वारा होस्ट की जाएगी, वेयर ही विल वंस अगेन शेयर अ प्लेटफॉर्म विद चाइनीज प्रेजिडेंट जी जिनपिंग के साथ, हम दोबारा से ये शेयर करेंगे, है ना। एंड द थीम बता दिया है, ड्यूरिंग द 12th समिट हेल्ड द बैकड्रॉप ऑफ द 75th एनिवर्सरी ऑफ द यूएन एंड इन द मिडस्ट ऑफ द COVID-19 पैंडेमिक लीडर्स विल बी डिस्कसिंग, जो इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन है उस पर बात करेंगे, ग्लोबल कंटेक्स्ट के जो की इशूज़ हैं उन पर फोकस करेंगे, जो मल्टीलेटरल सिस्टम है तो उसमें किस तरीके से रिफॉर्म आने चाहिए उस चीज़ों पर, उन सारी चीज़ों पर बात करेंगे, और जो ऑन गोइंग पैंडेमिक है उसके इम्पैक्ट जो हैं उसको किस तरीके से क्या क्या मेजर लिए जाने चाहिए उसको मिटिगेट करने के लिए, किस तरह का मतलब कोऑपरेशन की ज़रूरत है काउंटर टेररिज्म के लिए, ट्रेड के लिए, हेल्थ, एनर्जी, पीपल टू पीपल एक्सचेंज, तो ये सब चीजें बातचीत यहाँ पे होगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, और बाकी अगर हमें कुछ और भी यहाँ पे देखना है तो वो देख लेते हैं। 10th ब्रिक्स हेल्थ मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस भी हुई थी ऑनलाइन मोड, 9th ब्रिक्स हेल्थ मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन क्यूरिटिबा ब्राजील। ठीक है, अभी ये वर्चुअली हुई थी, एंड ब्रिक्स 2020 समिट ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, आज है 17 November 2020 एंड रशिया विल बी द होस्ट 12th एडिशन। ठीक है, और 5th ब्रिक्स कंट्रीज कौन सी है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ठीक है, अब मैंने ये बहुत पहले भी ये न्यूज़ मैंने कवर की थी जब हमने सारी NDB को भी पढ़ा था, है ना, तो उस टाइम पे हमने मैप के थ्रू भी देखा था। मैप के थ्रू देखने से आपको दिमाग में सारी चीज़ें रहेंगी कि कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है ब्रिक्स नेशन का, जैसे पॉपुलेशन वाइज अगर हम बात करें ऑफ द ब्रिक्स नेशन तो 3.6 बिलियन। ठीक है, तो 41% ऑफ टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन, और 16.6 ट्रिलियन US डॉलर यहाँ पे टोटल GDP है ऑफ द ब्रिक्स कंट्रीज की, जो कि क्या है 22% ऑफ द ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियरली ये इमेज दिख रही होगी जूम इन करके, तो रशिया व्लादिमिर पुतिन एंड चाइना जी जिनपिंग, इंडिया नरेंद्र मोदी, साउथ अफ्रीका के ये कौन है सिरिल रामफोसा प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका एंड माइकल टेम्पर प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील। ठीक है, तो इनमें से एक की डेथ भी हो गई है, शायद वो सिरिल रामफोसा ही हैं, एक बार मतलब अभी ध्यान नहीं आ रहा है ज़्यादा, बट हाँ देख लेना एक बार। सो ये हो गया 2001 में जो ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे जिम ओ नील, तो इन्होंने ये टर्म जो था ब्रिक, ठीक है, डिस्क्राइब किया था 4 इमर्जिंग इकोनॉमिस्ट, तो उस टाइम पे ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना ही थे। ठीक है, साउथ अफ्रीका उस टाइम पे नहीं था। उसके बाद ये एक मीटिंग हुई थी 2006 में, तो थोड़ा सा फॉर्मलाइज ये हुआ, फिर साउथ अफ्रीका को इन्वाइट किया गया ब्रिक्स को ज्वाइन करने के लिए 2010 में। तो अगर ये पूछा जाता है कि साउथ अफ्रीका ने कब ज्वाइन किया, या फिर बोल दिया जाएगा कि साउथ अफ्रीका फाउंडिंग मेंबर, तो 2010 में दिसंबर में इसको ज्वाइन किया था, उसके बाद इसका नाम ब्रिक्स पड़ा। ठीक है, ब्रिक्स, तो ये है। अब इसी के अकॉर्डिंग रोटेशनल वाइज क्या होती है, मीटिंग भी होती है, चेयरमैनशिप भी दी जाती है। ठीक है, तो रशिया के बाद फिर इंडिया होस्ट करेगा, फिर चाइना होस्ट करेगा, फिर कौन होस्ट करेगा, साउथ अफ्रीका। तो एनुअली ही कंडक्ट होती है। 6th ब्रिक्स समिट जो थी फोर्टेलिजा में हुई थी 2014 में, और
इट लीडर साइन द एग्रीमेंट इस्टेब्लिशिंग द न्यू डेवलपमेंट बैंक. ठीक है, तो ये वाली इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि यहाँ पे न्यू डेवलपमेंट बैंक इस्टेब्लिश हुआ था, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक अगर आ जाता है तो इसका है. ठीक है, दे ऑल्सो साइन द ब्रिक्स कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना. नेक्स्ट न्यूज़ दैट इज रिलेटेड टू 17 नवंबर की आज की न्यूज़ है इंडियन एक्सप्रेस की, वल्चर नंबर्स स्टेबलाइजिंग. ठीक है, और जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर है प्रकाश जावड़ेकर, तो उन्होंने लॉन्च किया है एक प्रोग्राम वल्चर एक्शन प्लान 2020 to 2025. ठीक है, तो वल्चर्स के जो कंजर्वेशन है उसको और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, ठीक है, वल्चर के संरक्षण के लिए क्या है ये प्लान लॉन्च किया गया है, एक्शन प्लान टू इंक्रीज पॉपुलेशन. ठीक है, तो बर्ड आईज व्यू की अगर हम बात करें तो 9 रिकॉर्डेड स्पीसीज हैं. ठीक है, 4 क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, 1 इंडेंजर्ड है, 3 नियर थ्रेटेंडेड है. अब पहले इंडिया में कौन कौन सी स्पीसीज हैं वल्चर की, तो वो हम देख लेते हैं. ठीक है, तो ये है द ओरिएंटल वाइट बैक्ड लॉन्ग बिल्ड स्लेंडर बिल्ड एंड हिमालयन रेड हेडेड इजिप्शियन बियर्डेड सिंड्रस एंड यूरेशियन ग्रिफिन. ठीक है, तो कितनी है, 9 है, ओरिएंटल वाइट बैक्ड लॉन्ग बिल्ड स्लेंडर बिल्ड एंड हिमालयन रेड हेडेड इजिप्शियन ब्रेडेड सिंड्रेस एंड यूरेशियन ग्रिफिन. ठीक है, तो ये इंडिया में भी पाई जाती हैं, और इनकी जो अगर हम इजिप्शियन वल्चर की बात करें तो इसको इंडेंजर्ड लिस्ट किया गया है, और इसके अलावा जो हिमालयन है और बियर्डेड सिंड्रेस वल्चर है इनको नियर थ्रेटेंडेड की कैटेगरी में रखा गया है. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट प्लान है, ये इसको याद रखना, वल्चर एक्शन प्लान 2020 to 2025, कंजर्वेशन ऑफ वल्चर इन द कंट्री. एंड अगर हम बात करें कि पहले जो था इनकी पॉपुलेशन इतना डिक्लाइन क्यों हुई, तो आपको पता है ये यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या वो केमिकल था जिसको मतलब एक मतलब पेन किलर था जो काउज वगैरह को दिया गया था, उसके बाद उनको ट्रीटमेंट के लिए दिया गया था, है ना, तो वो क्या था, नॉन्स्ट्रो रोडियल एंटी इन्फ्लेमेंट्री ड्रग NSAID था, तो वो पेन को और इन्फ्लेमेंट्री डिजीज जो थे, है ना, सच एज गोट इन कैरेकस दैट वल्चर वुड फीड ऑफ, है ना, तो उनको वो दिया गया था जानवरों को खाने की मतलब पेन रिलीफ के लिए. लेकिन फिर क्या हुआ, वल्चर्स ने उन एनिमल्स को मतलब खाया, तो उनको वो जो डाइक्लोफिनेक था, ठीक है, तो उससे क्या हुआ, मतलब उनसे उसकी डेथ हो गई. ठीक है, तो ये चीज़ बोला गया. एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि जस्ट 0.4 to 0.7% ऑफ एनिमल कैरकस कंटेमिनेटेड विद डाइक्लोफिनेक वाज सफिशिएंट टू डेसिमेट 99% ऑफ वल्चर पॉपुलेशन. लेकिन जो था अभी कुछ इतना ज़्यादा डेडिकेटेड कंजर्वेशन एफर्ट्स की वजह से जो वल्चर की पॉपुलेशन है वो स्टेबलाइज्ड हो गई है ना, तो ये चीज़ यहाँ पे बोला गया है. और 2006 में जो एक्शन प्लान था वो लॉन्च कर दिया गया था विद द DCGI, जो वेटरनरी यूज़ होगा डाइक्लोफिनेक का इन द सेम ईयर एंड द डिक्लाइन ऑफ द वल्चर पॉपुलेशन बींग अरेस्टेड बाई 2011. ठीक है, तो सेंट्रल जू अथॉरिटी और जो BNHS है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, इन्होंने भी इस्टेब्लिश किया है वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम. ठीक है, तो ये भी सक्सेसफुल रहा है, और 3 क्रिटिकली इंडेंजर्ड जो ब्रीड हैं उनको भी मतलब कैप्टिविटी में रखा गया है फॉर द फर्स्ट टाइम. और एक क्या बनाया गया है, सेफ जोन. ठीक है, वल्चर सेफ जोन, तो वल्चर सेफ जोन प्रोग्राम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड. ठीक है, तो वल्चर सेफ जोन प्रोग्राम जो है वो 8 डिफरेंट प्लेसेस पे कंट्री में अभी चल रहे हैं, और वहाँ पे जो जैसे 2 उत्तर प्रदेश में भी हैं. एंड अटेम्प्ट्स आर मेड टू सिक्योर द पॉपुलेशन ऑफ वल्चर बाय इंश्योरिंग द मिनिमम यूज ऑफ डाइक्लोफिनिक. और कब किसी प्लेस को जो है वल्चर सेफ जोन घोषित किया जाता है, डिक्लेयर किया जाता है, जब ओनली व्हेन नो टॉक्सिक ड्रग्स आर फाउंड इन अंडर कवर. ठीक है, फार्मेसी एंड कैटल कैरकस सर्वेज फॉर 2 कंसेक्यूटिव ईयर, 2 साल लगातार जब वहाँ पे कोई भी ऐसे ड्रग ना मिले एंड द वल्चर पॉपुलेशन आर स्टेबल एंड नॉट डिक्लाइनिंग. ठीक है, तो तब यहाँ पे क्या जोन डिक्लेयर किया जाता है, वल्चर सेफ जोन. एंड मोशन बाय इंश्योरिंग दैट सेल ऑफ वेटरनरी एनएसए रेगुलेटेड एंड लिव स्टॉक एंड ट्रीटेड ओनली बाय क्वालिफाइड वेटरनरीज. तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे यहाँ पे, यहाँ पे आप देख सकते हो. ठीक है, एडिशनल कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर्स एंड 4 रेस्क्यू सेंटर्स प्लांट अक्रॉस इंडिया एंड नेशन वाइड वल्चर सर्विस वंस इन 4 ईयर्स. ठीक है, ये भी किया गया आफ्टर 2006 का जो प्रोजेक्ट था, है ना, तो ये सारे की वर्ड्स हैं, इनको मतलब एक बार दोबारा से आप पढ़ सकते हैं अगर समझ में नहीं आया. सो नेक्स्ट न्यूज़ दैट इज़ रिलेटेड टू, अब हम सीधा न्यूज़पेपर में आ जाते हैं, न्यूज़पेपर की जो न्यूज़ है वो डिस्कस कर लेते हैं. QRSAM भी है, ठीक है, QRSAM, तो ये जो है
इंडिया ने टेस्ट की है उड़ीसा से, ठीक है। क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, तो क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल है ये, चांदीपुर जो रेंज है, टेस्ट फायर रेंज, चांदीपुर टेस्ट फायर रेंज इन उड़ीसा, तो यहाँ से हमने लॉन्च की है। और ये केपेबल है ऑफ स्ट्राइकिंग एरियल टारगेट एट अ हाइट ऑफ 15 किलोमीटर और सिक्स एंगेजिंग सिक्स टारगेट साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो इसमें भी केपेबल है ये, एंड सिस्टम इज ऑल्सो केपेबल ऑफ डिटेक्टिंग एंड ट्रैकिंग। तो जो टारगेट होगा, जो उनका मूव हो रहा है टारगेट का, तो उसको भी ये क्या कर सकती है, डिटेक्ट कर सकती है, उसको ट्रैक कर सकती है, QRSAM, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो है स्पेस एक्स का रिजाइलेंस ये प्रोग्राम है, ठीक है। लिफ्ट 4 एस्ट्रोनॉट्स इनटू न्यू एरा ऑफ स्पेस फ्लाइट। तो यहाँ पे ये फर्स्ट ऑपरेशनल फ्लाइट होगी क्रू ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट की, बिल्ट एंड ऑपरेटेड बाय स्पेस एक्स। तो स्पेस एक्स के जो कंपनी है, किसने स्टार्ट किया, रॉकेट कंपनी है, स्टार्टेड बाय एलोन मस्क, ठीक है, एलोन मस्क की है। तो इन्होंने ये क्या है, स्पेस एक्स फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा, क्या, क्रू ड्रैगन कैप्सूल, इसका नेम क्या है, रिजाइलेंस, इज लॉन्च ऑन द फर्स्ट ऑपरेशनल नासा कमर्शियल क्रू मिशन एट कैनेडी स्पेस सेंटर इन केप कार्निवल फ्लोरिडा ऑन संडे, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। और बाकी के जो एस्ट्रोनॉट हैं वो नासा से हैं, और 3 फ्रॉम नासा एंड 1 फ्रॉम जाक्सा, जापान की एजेंसी। हंगरी टू वीटो ईयू बजट एंड रिकवरी प्लान ओवर कंडीशन इन मेजर स्नैक फॉर ब्लॉक। तो यहाँ पे हंगरी जो है वो यूरोपियन यूनियन का जो 2021 के और 2027 तक का जो बजट है उस पर वीटो कर सकता है, और जो कोविड रिकवरी स्कीम है उसमें भी वो वीटो कर सकता है, ठीक है, अगर कंडीशनल बना दिया जाए इस फंड को, जो गवर्नमेंट का एडहेरेंस है कि मतलब रूल ऑफ लॉ पे आपको एडहर रहना है। मूव विच अ सीनियर यू ऑफिशियल वांट कुड क्रिएट हैवॉक विद विद इन द ब्लॉक। तो डिस्प्यूट हो रहा है ये किस में, ऑन रूल ऑफ लॉ कंडीशन, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको एक पढ़ सकते हैं कि एक्सेस टू ईयूस कोविड रिकवरी फंड आर कंडीशनल ऑन मेंबर स्टेट, ठीक है, कि जो कोविड रिकवरी फंड है वो कंडीशनल है किस पे, ईयू के मेंबर पे, और उनको एडहेरेंस रहना होगा टू द रूल ऑफ लॉ। लेकिन जो हंगरी और पोलैंड है, तो ठीक है, हंगरी की कैपिटल आपको पता होना चाहिए क्या है, बुडापेस्ट, एंड पोलैंड की क्या है, वर्सॉ। तो इन्होंने क्या लगाई है, ऑब्जेक्ट किया है इन कंडीशंस पे, बिकॉज द ईयू हैज बीन क्रिटिकल ऑफ द टू स्टेट ऑफ द जुडिशरी इन दिस टू कंट्रीज एंड हैज अर्लियर ट्राइड टू सैंक्शन दैम फॉर व्हाट द ब्लॉक्स लीडरशिप कॉल पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन द जुडिशियल प्रोसेस। तो जो रूल ऑफ लॉ कंडीशन है उसको ऐसा देखा जा रहा है कि ये एक ईयू का लेटेस्ट अटेम्प्ट है टू होल्ड द गवर्नमेंट्स ऑफ द टू कंट्रीज टू अकाउंट, है ना। बट देयर अगर वीटो होता है तो एक क्राइसिस आएगा इससे ईयू में, यूरोपियन यूनियन में। और यहाँ पे जो नेक्स्ट न्यूज़ अगर हम बात करें वर्ल्ड पेज से, ठीक है, तो और कुछ इतना खास नहीं है कि बस ये कि एशिया पैसिफिक सी सर्ज इन न्यू कोविड केसेस, नेशन मतलब काफ़ी ज़्यादा कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, चाहे इंडोनेशिया हो या फिर जापान हो, साउथ कोरिया है, ठीक है, तो ये कंट्रीज़ में केसेस बढ़ रहे हैं। स्कॉट मॉरिसन, ऑस्ट्रेलिया, सीरियन फॉरेन मिनिस्टर मोलेम डाइज एट 79। तो सीरिया के जो लॉन्ग टाइम फॉरेन मिनिस्टर हैं वालिद अल मोलेम, ठीक है, तो ये डिफेंडर भी थे सीरियन प्रेसिडेंट बशर अल असद के, और पीसफुल प्रोटेस्ट भी थे दैट स्पार्क्ड अ डिकेड ओल्ड कॉन्फ्लिक्ट। तो डाइड, ही डाइड, ठीक है, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट, आफ्टर 5 प्रेसिडेंट इन 5 ईयर्स पेरू विदाउट अ लीडर, व्हाट लेड टू दिस क्राइसिस। तो पेरू जो है 5th प्रेसिडेंट इन 5 ईयर्स, मैनुअल मेरिनो, ठीक है, तो ये मैनुअल मेरिनो अभी बने, इससे पहले मार्टिन विस्कारा थे, तो इनको हटा दिया गया था। ये अपने कैंपेन में इन्होंने बोला था कि करप्शन नहीं होने देंगे, लेकिन करप्शन के ही मतलब एंटी करप्शन के कैंपेन किया था, एजेंडा भी वही था, लेकिन बाद में रिफॉर्म नहीं हो पाए और करप्शन को टैकल करने की जगह इन्हीं पे कुछ चार्जेस लग गए। उसके बाद मैनुअल मेरिनो कुछ टाइम के लिए बने, मतलब 3-4 दिन के लिए, 5 डेज के लिए ही, उसके बाद ही मैसिव प्रोटेस्ट होने लगे पेरू में, ठीक है। पेरू की कैपिटल पता होनी चाहिए लीमा, बाकी बस यही है, कुछ खास नहीं है। यहाँ पे आरसेप के बारे में ही आया हुआ है, इंडिया आउट ऑफ आरसेप ट्रेड एंगल। तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें तो पढ़ी हुई हैं ऑलरेडी कि क्या है ये, है ना, 16 कंट्रीज़ हैं आसियान मेंबर्स एंड कंट्रीज़ विद विच दे हैव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, नेमली ऑस्ट्रेलिया, चाइना, कोरिया, जापान, न्यूजीलैंड, इंडिया था लेकिन अब इंडिया नहीं है, हमने पुल आउट कर लिया था इस डील से ऑलरेडी। और बाकी जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं, व्हाट कैन द डिसीजन कॉस्ट इंडिया। तो ये बोल रहे हैं कि देर आर कंसर्न दैट इंडिया डिसीजन वुड इम्पैक्ट सिस बायलेटरल ट्रेड टाइज विद आरसेप मेंबर्स। हमारे जो बायलेटरल ट्रेड हैं वो मतलब थोड़ा सा इम्पैक्ट हो सकते हैं वो इन सब चीज़ों से, ठीक है, ये मेंबर हैं इसके। एंड लेकिन ये बोला गया है कि
आरसेप प्रेजेंट द साइज ऑफ द डील इज मैमथ एज द कंट्रीज इन्वॉल्व अकाउंट फॉर 2 बिलियन, है ना, क्योंकि इनके पॉपुलेशन का 2 बिलियन ये क्या करते हैं, कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन. तो इस वजह से हम थोड़ा एक आइसोलेशन में रह सकते हैं. बट गिवन अटेम्प्ट बाई कंट्रीज लाइक जापान, तो जापान ने हमको पहले भी बोला है कि इंडिया इस डील को साइन कर रहे, तो वो भी इंडिया के लिए थोड़ा एक चिंता भरा, मतलब वरीसम है. कुड इम्पैक्ट द ऑस्ट्रेलिया इंडिया जापान नेटवर्क. तो हमारा जो AIJ है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया जापान नेटवर्क है इंडो पैसिफिक रीजन में, तो इस पर भी इससे इफेक्ट पड़ सकता है. इट कुड पोटेंशियली पुट अ स्पैनर, है ना, इन द वर्क ऑन इनफॉर्मल टॉक्स. जो हम सप्लाई चेन रिजाइलेंस इनिशिएटिव है हमारी तीनों कंट्रीज़ के बीच में, ऑस्ट्रेलिया इंडिया जापान नेटवर्क के बीच में, तो इस पर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है अगर हम इस डील को साइन नहीं कर रहे हैं. सो एन इंटरनल असेसमेंट बाय द गवर्नमेंट हैज़ रिवील्ड द ग्रोथ इन ट्रेड and with partners over the last 5 financial year was a modest 7.1%. तो अगर हम बात करें कि what जो हमारी इन countries के साथ जो trade deficit है, ठीक है, RCEP members जो है इनमें से 15 में से कितने के 11 के साथ हमारा ट्रेड डिफिसिट है आरसेप कंट्रीज के साथ. और इंडिया हैज़ बीन अनेबल टू लेवरेज इट एग्जिस्टिंग बिलेटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद सेवरल आरसेप मेंबर टू इंक्रीज एक्सपोर्ट्स. ठीक है, अगर हम इंडिया के ऑप्शंस की बात करें तो क्या ऑप्शंस है, तो हम दोबारा से, मतलब इसको अगर हम चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं दोबारा से, एंड 18 मंथ्स के अंदर भी और उससे पहले भी. ठीक है, तो दूसरी चीज़ ये बोली गई है हमारे लिए, मतलब और जो ऑप्शन है वो क्या है, जैसे हम मेंबर हैं और हमारे जो अग्रीमेंट है वो किसके साथ है, एशियन ब्लॉक के साथ, साउथ कोरिया एंड जापान के साथ, है ना. इट्स नेगोशिएटिंग एग्रीमेंट्स विद मेंबर्स लाइक ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, और जो इंडिया सिंगापुर है, ठीक है, 2 रिव्यूज ऑफ द इंडिया सिंगापुर CECA हैव बीन कम्प्लीटेड. द इंडिया भूटान एग्रीमेंट ऑन ट्रेड कॉमर्स एंड ट्रांजिट वॉज रिन्यूड इन 2016, और जो इंडिया नेपाल ट्रीटी है ऑफ ट्रेड, तो ये भी एक्सटेंड की गई थी इन 2016. और हमारी जो है 8 राउंड्स ऑफ नेगोशिएशन टॉक चल रही हैं, वो भी कंप्लीट हुई थी, रिव्यू ऑफ द इंडिया कोरिया CEPA. सो ये 2016 में शुरू हुई थी और अभी ये कंप्लीट हुई. इंडिया हैज़ टेकन अप द रिव्यू ऑफ द इंडिया जापान CEPA एंड इंडिया एशिया FTA विद इट्स ट्रेडिंग पार्टनर. तो ये सारी चीज़ों पर हम दोबारा से, मतलब, ध्यान दे सकते हैं और निगोसिएशन ये कर सकते हैं. अभी जो है 20 निगोसिएशन आर अंडर वे, है ना, तो ये चीज़ है इसमें यहाँ पे. और इंडिया ट्रेड बैलेंस विद RCEP मेंबर्स, तो ये हम देख सकते हैं RCEP मेंबर्स के साथ जो हमारा ट्रेड बैलेंस है वो किस तरीके का है. ठीक है, एंड नेक्स्ट न्यूज़ है, यहाँ पे जो एडिटोरियल है, तो पाकिस्तान बिडेंस होप, ठीक है, तो बाइडेन होप में यहाँ पे केवल यही इम्पॉर्टेंट है कि जो बाइडेन का ट्रांजिशन प्लान है उसमें उन्होंने 4 प्रायोरिटीज़ को बताया गया है. ठीक है, एक कोविड क्राइसिस है, दूसरा रेशियल इनइक्वालिटी, तीसरा है इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड चौथा है क्लाइमेट चेंज. तो इस पर वो फोकस करेंगे, तो पूरे वर्ल्ड पर, मतलब, इम्पैक्ट पड़ेगा उसका कि क्या उनकी प्रायोरिटी में रहेगा. और कश्मीर का जो इशू है वो बोल रहे हैं कि पब्लिकली उसको, मतलब, नहीं देखेंगे, हो सकता है कि वो इंटरनल ही उसको ट्रीट करे क्लोज डोर्स में रादर देन इन पब्लिक, है ना, कश्मीर बिहाइंड क्लोज डोर्स. तो ये चीज़ है. लिसन टू द सुप्रीम कोर्ट, तो यहाँ पे जो अभी केस हुआ था अर्नब गोस्वामी को, मतलब, जेल में डाला गया था, तो इसमें ये बोला जा रहा है कि गोस्वामी हैज सिंस रिलीज फ्रॉम द जेल ऑन द ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट. तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे गोस्वामी को बाहर निकाला गया. और रेहा चक्रवर्ती से रिलेटेड भी यहाँ पे कुछ बात लिखी हुई है कि वो, मतलब, उनको ही कल्प्रिट माना था रेहा चक्रवर्ती अर्नब गोस्वामी ने. एंड द ऑर्डर ग्रांटिंग बेल टू हिम हैज़ अ इवोक मिक्स रिएक्शन. तो इसके कुछ मिक्स्ड रिएक्शन आए हैं. मिक्स रिएक्शन कैसे, क्योंकि जो बहुत सारे जो लीगल फ्रेटर्निटी है वो ये फील कर रहे हैं कि गोस्वामी हैज़ बीन रिसीविंग प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट. तो उनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिल रहा है ना. और बाकी के बहुत सारे जो अदर हैं हु वर प्लेस्ड फॉर वर्स, है ना, वेन गोस्वामी केम रशिंग टू द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द बॉम्बे हाई कोर्ट. तो वो बॉम्बे हाई कोर्ट के अगेंस्ट में सीधा कहाँ चले गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए. ऑर्डर डिक्लाइनिंग इंटरिम बेल टू हिम, सो वेटिंग फॉर देयर टर्न टू बी हर्ड इन द सुप्रीम कोर्ट. तो वो अभी, मतलब, वेट कर रहे हैं, क्योंकि पहले, मतलब, जब पूरी प्रोसीडिंग हो जाती है हाई कोर्ट की, उसके बाद ही आदमी कहाँ जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है. तो वो लोग वेट कर रहे हैं, लेकिन ये प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट इनको यहाँ पे मिला, ये ऐसा बोल रहे हैं यहाँ पे ऑथर. सो दिस फीलिंग हैज़ बीन इकोड बाय नन अदर देन द प्रेसिडेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन दुष्यंत दावे. ठीक है, तो दुष्यंत दावे का ऐसा कहना था यहाँ पे
कि जो सेक्रेटरी जनरल है सुप्रीम कोर्ट के दावे हैज़ एलिज दैट द सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री हैज़ बीन सिलेक्टिवली लिस्टिंग मैटर्स, है ना। अगर बात करें कि सिस्टम जो है वैसे भी पूरा तरीके से कंप्यूटराइज है अकॉर्डिंग टू द रिकॉर्ड्स अवेलेबल विद द सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री, और जो गोस्वामी की जो पिटिशन थी वो रिपोर्टेडली हैड 9 डिफेक्ट्स उसमें थे, लेकिन और जो वकालतनामा था वो भी अनसाइन था, लेकिन वो उसी दिन क्या हुआ था, फाइलिंग के दिन ही वो भी लिस्टेड कर दिया गया था। तो यहाँ पे ये रिक्वेस्ट किया है इन्होंने कि मतलब वो सही तरीके से नहीं हो रहा है ये सब चीज़ें, है ना। तो लोअर कोर्ट मस्ट हीड द अपेक्स कोर्ट्स वर्ड्स ऑन पर्सनल लिबर्टीज एंड फ्री स्पीच। देन यहाँ पे डायरेक्टर सेक्टर तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सोमित्रा चैटर्जी, ठीक है, और सत्यजीत रे कॉम्प्लीमेंटेड ईच अदर, पार्टनरशिप प्रोड्यूस टाइमलेस फिल्म्स, एंड यही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, बंगाली भद्रलोक, ठीक है, ये वाला ये भी वही है, रेनानसा मैन। एंड देन वॉर अगेंस्ट वायरस, तो ये हर्ड इम्यूनिटी से रिलेटेड है, कोविड-19 की डिबेट और वो सब, कि हर्ड इम्यूनिटी की डिबेट ये शो कर रही है कि साइंटिफिक और मॉरल जजमेंट, ठीक है, कोविड बैटल के लिए दोनों ही जरूरी हैं। दूसरा जो ये यहाँ पे आर्टिकल है सीज द डील, तो ये आरसेप ट्रेड से ही रिलेटेड है, ठीक है, ट्रेड लिफ्ट्स ऑल बोट्स, न्यू दिल्ली मस्ट गेट इन साइड। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आरसेप को ज्वाइन करना चाहिए हमें, इंडिया को, है ना। वो क्यों ज्वाइन करना चाहिए, अभी एशियन समिट के साइडलाइन में ये जो वियतनाम के द्वारा होस्ट की गई थी एशियन समिट 37, तो इसमें 15 कंट्रीज़ ने एक साथ साइन कर लिया फॉर्मली रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, और इंडिया हैड बीन अ पार्ट ऑफ नेगोशिएशन फॉर ऑलमोस्ट 9 ईयर्स टिल इट पुल्ड आउट इन नवंबर 2019, ठीक है, नवंबर 2019 हमने पुल आउट कर लिया था इससे। एंड वही है कि हमने यही बोला कि जो मतलब इनएडिक्वेट सेफ गार्ड्स हैं, लोवरिंग कस्टम्स ड्यूटीज़ हैं, और ये हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर है इसको क्या करेंगी, एडवर्सली इम्पैक्ट करेंगी, है ना। तो इंडिया ने ये भी बोला था कि अगर ये कंट्रीज़ जो हैं हमारे सारे कंसर्न को अगर एड्रेस करती हैं तो हम इसे साइन भी कर लें, लेकिन कुछ भी एड्रेस नहीं किया गया यहाँ पे, है ना। तो इस वजह से हम इससे बाहर ही रहे, और ये कंट्रीब्यूट करते हैं 30% ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी, ट्रेड ब्लॉक है ये, एंड वर्ल्ड पॉपुलेशन टचिंग ओवर 2.2 बिलियन पीपल, है ना। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इकोनॉमिक रीजंस इसके हैं कि इंडिया का जो डिसीजन है इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द चाइना डोमिनेटिंग द आरसेप ट्रेड ब्लॉक, है ना। अब हमारे ऑलरेडी जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, FTA है एशियन नेशन के साथ, और हमारी सेपरेट डील्स होती हैं किसके साथ, साउथ कोरिया के साथ, जापान के साथ, और ऑलरेडी आपको पता है कि हमारे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ भी डिस्कशन चल रहे हैं, है ना। और अगर हम ट्रेड डेटा की बात करें तो उसमें ये हमें साफ साफ दिखता है क्लियरली कि इंडिया का चाइना से ट्रेड डिफिसिट है, और अभी हमने देखा था कि 15 में से 11 जो आरसेप कंट्रीज़ हैं उनके साथ ही हमारा ट्रेड डिफिसिट है ना। तो हमारे लिए इतना ये बेनिफिशियल नहीं होता, विच विद विच इट डज़ नॉट हैव अ ट्रेड पैक्ट इज़ हायर देन दैट ऑफ द रिमेनिंग आरसेप कॉन्स्टिट्यूट पुट टुगेदर। तो ये बोला है कि ट्रेड डील्स को यहाँ पे ब्लेम क्यों किया जाए, अगर यहाँ पे ट्रेड डिफिसिट्स की बात करें तो ये इतने बुरे नहीं होते हैं, डेफिनेटली नॉट फॉर कंज्यूमर्स, इवन अदरवाइज इम्पोर्ट ऑफ चीपर इंटरमीडिएटरी गुड्स ओनली हेल्प एड वैल्यू टू फाइनल प्रोडक्ट्स। तो फाइनल प्रोडक्ट्स में ये हेल्प ही करते हैं, और अगर हम इंटरमीडिएट गुड्स की बात करें तो ये इम्पॉर्टेंट होते हैं। दूसरा ये बोला है कि जो ट्रेड पॉलिसी होती है, ठीक है, ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म ऑलवेज एक्सर्ट्स प्रेशर्स ऑन द डोमेस्टिक इंडस्ट्री इन द ट्रांजिशन पीरियड। तो मतलब एक तरह से डोमेस्टिक इंडस्ट्री को यहाँ पे वो थोड़ा एक कॉम्पिनेंट मतलब कॉम्पिटेटिव मोड में आ जाते हैं कि हमको और बेहतर करना है, तो उनमें रिफॉर्म ही आता है, अगर कोई प्रेशर भी उन पर पड़ रहा है तो और बेहतर तरीके से वो काम करने की कोशिश करते हैं। तो यही चीज़ें बोली गई हैं कि एक मतलब अच्छी बात होती है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से यहाँ के जो इंडस्ट्री है उनको हार्म पहुँचती। सो यही चीज़ बोला गया है कि इंडिया मतलब पहले भी जब जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी थी उसमें फेवरेबल एक्सचेंज थे, तो जो रेट थे डिड हेल्प द इंडस्ट्री शेप अप, है ना, ग्लोबल क्वालिटी से जो हमारी प्राइसिंग थी और ग्लोबल क्वालिटी जो थी मतलब इंटरनेशनल क्वालिटी को हमारे प्रोडक्ट्स का मैच करना, तो वो सब भी होता था, और उस टाइम पे इंडिया वाज मच बेटर ऑफ बोथ इन टर्म्स ऑफ शेयर इन ग्लोबल ट्रेड, FDI इनफ्लोज, ग्रोथ ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री एंड राइजिंग इनकम लेवल्स ऑफ इट्स पीपल। तो यही सब चीज़ें बोली गई हैं कि अभी जो है इंडिया को प्रिपेयर होना है जो चाइना का मैरीटाइम चैलेंज है चाइना की साइड से,
और जो हमारे एलएसी पे जो उनका एग्रेशन देखने को मिल रहा है ना, तो इस तरीके जो अलायंसेज हैं, इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक फोरम है जैसे क्वाड है, और जो यूएस ऑस्ट्रेलिया जापान जिसमें है ना, तो ये सारे न्यू दिल्ली को हेल्प करेंगे टू चेक बीजिंग्स डोमिनेंस इन द साउथ चाइना सीज और इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना क्या क्या कर रहा है. सो डिस्पाइट ऑल द डिफरेंस विद चाइना, एट द एंड ऑफ द डे ऑस्ट्रेलिया जापान हैव नॉट स्टेड आउट ऑफ आर सेप, है ना. तो ये भी हमको ध्यान में रखना है कि ऑस्ट्रेलिया और जापान तो वही है, और जापान हमको पुश भी कर रहा है कि आपको आरसेप ज्वाइन कर लेना चाहिए. तो दिल्ली को मतलब एक राइट मैसेज सेंड करना चाहिए कि हमें क्या करना है, इंसेंटिव्स द इंडस्ट्री, इंसेंटिवाइज द इंडस्ट्री टू बी कॉम्पिटेटिव एंड गेट इनसाइड द आरसेप टेंट एट द अर्लीस्ट अपॉर्चुनेट मोमेंट, है ना. तो इन कंट्रीज के साथ भी हमारे जो बिलेटरल रिलेशन है वो अच्छे बेहतर बने रहेंगे. तो ये है, ये ऑलरेडी वर्चुअल नंबर सिस्टम है, ये हम कर चुके हैं डिस्कस, ब्रिक्स समिट ऑलरेडी डिस्कस. सो अमिड ग्लोबल कॉल टू स्टेप अप टीबी ट्रीटमेंट, एक्सप्रेस फ्लैग एंड कंजर्वेटिव अप्रोच, ठीक है. तो ये जो है टीबी के केसेस मतलब बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और टीबी के लिए आपको पता है कि एक दो ड्रग्स आती हैं, एक बेडाक्लिन आती है, ठीक है, बेडाक्लिन BEDAQUILINE एंड डेला मैनेड, ठीक है. तो इनको मतलब COVID-19 के टाइम पे इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और यहाँ पे यही बोला गया है कि अगर हम 22% ऑफ कंट्रीज़ की बात करें, तो एक सर्वे हुआ था, तो यहाँ पे जो टीबी का ट्रीटमेंट था वो स्टार्ट हुआ था एंड प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटी तक था, ठीक है. और फॉर इंस्टेंस एंड फॉर मेडिसिन्स टू बी टेकन एट होम एडिशनली 39% डू नॉट यूज़ अ मॉडिफाइड ऑल ओवर शॉर्टर ट्रीटमेंट. तो बस यही यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि जो ट्यूबल क्लोरोसिस है, ठीक है, जो एक रिपोर्ट आती है आपने सुना होगा डॉक्टर विदाउट बॉर्डर्स, है ना. तो डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की इन्होंने गवर्नमेंट को ये बोला है कि जो टेस्टिंग ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन है फॉर टीबी एंड फॉर डोनर्स टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू इंश्योर इंक्रीज एक्सेस टू न्यू मेडिकल टूल्स फॉर डायग्नोसिंग एंड ट्रीटिंग मिलियंस विद द डिजीज, ठीक है. तो इसको फोकस करना चाहिए इसमें. और अभी इंडिया में जो है इसको लेके, टीबी को लेके काफ़ी कंजर्वेटिव अप्रोच सरकार अपना रही है, ड्रग रेजिस्टेंट टीबी को लेके मेनली, है ना. तो काफ़ी सारे चिल्ड्रंस जो हैं और पेशेंट्स जो हैं वो क्या है इसमें डेंजर में है, क्योंकि जो न्यू DRTB है, टीबी ड्रग्स बेडाक्लिन, तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट न्यूज़ दैट इज़ रिलेटेड टू इन कानपुर, गर्ल रेप्ड किल्ड, हर लिवर कट आउट, फोर अरेस्टेड, ठीक है. तो ये मतलब इतना ज़्यादा अंधविश्वास लोगों के बीच में फैला हुआ है कि अगर दूसरे की बेटी का अगर लिवर कट करके अगर खा लिया, तो दैट मीन्स फिर वो दे आर केपेबल टू हैव अ चाइल्ड, है ना. तो इस वजह से क्या कर लिया, एक लड़की के साथ पहले सेक्सुअली असॉल्ट किया गया, 7 ईयर ओल्ड, शी वॉज जस्ट 7 ईयर ओल्ड. और फिर अभी जो है FIR हैज़ बीन फाइल्ड अंडर IPC सेक्शन 302, ठीक है, 302 में है मर्डर एंड 201 में कि मर्डर के बाद आप जो एविडेंसेस हैं या कुछ भी आप ऑफेंस कर रहे हो उनको आप हटा भी दे रहे हो ना, कॉजिंग डिसअपियरेंस ऑफ एविडेंस ऑफ ऑफेंसेस ड्यूरिंग इंटरोगेशन. तो दोनों ने ही कन्फेस किया कि उन्होंने ऐसा किया है. और जो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसेज है पॉक्सो एक्ट, तो ये भी ऐड किया गया FIR में. तो ये है न्यूज़. सो देन बीजेपी स्लम कांग्रेस ज्वाइनिंग गोपाकर अलायंस. तो गोपाकर अलायंस जो है जो 370 है उसको रिस्टोर करने के लिए वहाँ की 6 पार्टीज़ जो रीजनल पार्टीज़ हैं जम्मू कश्मीर की, उन्होंने किया था, अभी कांग्रेस ने भी साइन किया है इसको. क्वाड नेवीज टू बिगिन सेकेंड फेज ऑफ मालाबार एक्सरसाइज टूडे, ठीक है. इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया विल पार्टिसिपेट इन दिस सेकेंड फेज ऑफ मालाबार नेवल. तो पहली फेज की हो गई थी, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, ये है क्वाड. और अभी जो है ये होगी, और 1992 से ये स्टार्ट हुई है, इंडिया एंड यूएस 1992, फिर जापान ने इसको, जापान को शामिल किया था, फिर अभी ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल हो गया, ठीक है. तो 17 नवंबर से 20 नवंबर के बीच में चलेगी, और पहली जो थी विशाखापट्टनम कोस्ट में हुई थी, अभी सेकेंड ये चल रही है. एंड दिस विल विटनेस ज्वाइंट ऑपरेशन सेंटर्ड अराउंड द विक्रमादित्य कैरियर बैटल ग्रुप ऑफ द इंडियन नेवी एंड निमिट्स कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ऑफ द यूएस नेवी, ठीक है. तो ये है इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट जो है ITBP कोविड केयर सेंटर टू गेट 1000 ऑक्सीजन बेड्स, मोर डॉक्टर्स टू फ्लाई इन, ठीक है. तो यहाँ पे जो है 1000 बेड्स को ऑक्सीजन सपोर्ट इनेबल यहाँ पे किया जाएगा, और 10,000 यहाँ पे बेड हैं, एंड आउट ऑफ विच 600 आर ऑक्यूपाइड एट प्रेजेंट, और एरिया जो है इसको सील्ड ऑफ किया गया है फॉर एवरी वन. और नेक्स्ट
यहाँ पे आरसीएप के बारे में ही है। विल वॉकर फाइनली स्टे पुट आंसर की टू टाइगर रोड मैप, तो ये वॉकर ही इसका नाम रख दिया क्योंकि ये काफ़ी दूर से चल के ये आया है। 3000 किलोमीटर कवर्ड किए इन्हें इसने 9 मंथ में। और यहाँ पे कुछ सेंचुरी के नाम है, तो ये आप देख सकते हो दनियान गंगा सेंचुरी, ठीक है, 205 स्क्वायर किलोमीटर यहाँ पे था। तो ये क्या है, महाराष्ट्र में ही होगी ये भी सेंचुरी। और कते पुराना सेंचुरी, ठीक है ना, इन अकोला एंड करंजा सोहल सेंचुरी, ठीक है, तो ये सेंचुरी के नाम भी याद रखना। और इनके बारे में हम थोड़ा देखेंगे बाद में, डिस्कस करेंगे इन डिटेल। तो यहाँ पे जो मॉडर्ना टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है, तो अमेरिकन बायोटेक्नोलॉजी कंपनी क्या है, मॉडर्ना, तो इन्होंने अनाउंस किया है कि जो अर्ली रिजल्ट्स हैं, है ना, तो वो 94.5% एक्यूरेसी एफिकेसी बताया जा रहा है इस वैक्सीन की, ठीक है। अभी पिप्जर जो बायोनेट है, बायोएन टेक, तो उन्होंने, और रशियन मेकर्स ऑफ द स्पूतनिक 5 वैक्सीन, इन्होंने भी अनाउंस किया था कि 90% इफेक्टिव है प्रिलिमिनरी रिजल्ट इनके फेज 3 का जो ह्यूमन ट्रायल्स हुआ था, ठीक है। तो ये है, ये 16 नवंबर का ही था। रिलायंस रिटेल ने एक्वायर किया अर्बन लैडर को, एंड ठीक है, अर्बन लैडर क्या है, अर्बन लैडर एक ऑनलाइन होम डेकर की कंपनी है, तो रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड जो है, RRVL, ठीक है, ये सब्सिडरी है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की, इन्होंने किया है। एंड अर्बन लैडर विल कंटिन्यू टू ऑपरेट एज अ सेपरेट ब्रांड विद इन द रिलायंस इकोसिस्टम, ठीक है। CEO को फाउंडर आशीष गोयल ही रहेंगे, कंटिन्यूइंग टू होल्ड दिस पोस्ट। ड्राफ्ट रूल्स अंडर कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी रिलीज, फेक GST इनवॉइसेस गवर्नमेंट में इनवोक, ठीक है, मैं एक बार ब्रीफली आपको बता रही हूँ ताकि कुछ चीज़ें रह ना जाएं। और एडिटोरियल्स बहुत बढ़िया थे, तो मैं इसको कवर करूँगी कि 16th of November के जो एडिटोरियल्स हैं, मैं एक बार इनको अलग से सेपरेट वीडियो इसका बनाऊँ, ठीक है, तो किसी वीडियो में हम इनको ऐड कर लेंगे, ठीक है, आज क्योंकि ऑलरेडी लेंदी वीडियो बन गई है काफ़ी। तो यहाँ पे क्या है, COFEPOSA, तो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट, ठीक है, तो ये है। और टेकिंग एक्शन अगेंस्ट अंडर GST लॉज, इनकम टैक्स एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, तो इसको इन्वोक कर सकती है फेक GST गवर्नमेंट। तो RCEP के बारे में हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, एशियन एंड अर्मेनियन स्टॉर्ज देयर होम्स ऑन लैंड सीडेड टू अजरबैजान, ठीक है, तो करवाचार जो है, करवाचार ये अर्मेनियन सिटी है, ठीक है, और ये लीगली जो पार्ट है वो अजरबैजान का पार्ट है, लेकिन ये कंट्रोल में किसके रही है, एथनिक अर्मेनियंस हैं, ठीक है, 1994 से इन्हीं के पास ये रही है सिटी, ठीक है। एंड नोगरोनो कारबाक रीजन यहाँ पे डिस्प्यूटेड रीजन है, वो भी याद होना, पता ही होना चाहिए लोकेशन वाइज भी। एंड अर्मेनिया की कैपिटल यरेवान है, अजरबैजान की बाकू है, और रशिया ने जो थी ये डील ब्रोकर्ड की थी सीज फायर, अंडर विच द टेरिटरी अर्मेनिया के पास आउटसाइड द फॉर्मल बॉर्डर्स नोगरोनो कारबाक विल बी ग्रेजुअली सीडेड। और यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शंस जो है, यहाँ पे जो इमरान खान की पार्टी है, ठीक है, वही जीत गई है दोबारा से। एंड इंडिया ने अपोज किया है पाकिस्तान का प्लान टू होल्ड इलेक्शंस इन गिलगित बल्तिस्तान, और अगर यहाँ पे कुछ भी स्टेटस को चेंज करते हैं मिलिट्री ऑक्यूपाइड सो कॉल्ड गिलगित बल्तिस्तान, तो हम उसको टॉलरेट नहीं करेंगे, है ना, इसका कोई लीगल बेसिस नहीं है। पेरू में इंटरिम प्रेसिडेंट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, मैनुअल मेरिनो, तो रिज़ाइन कर दिया है इन्होंने ऑन संडे, ठीक है, मैसिव प्रोटेक्ट्स बाहर। इथोपिया का टिग्रे रीजन जो है ये न्यूज़ में है, ठीक है, और इरिट्रियन कैपिटल, ये सब भी याद होने चाहिए, इथोपिया की कैपिटल है आदिस अबाबा। एलन मस्क ही मोस्टली लाइकली टू हैज़ अ मॉडरेट केस ऑफ कोविड, तो ये है। और यहाँ पे इसराइल एडवांसेस प्लान टू सेंसिटिव ईस्ट जेरूसलम सेटलमेंट। और रेसिंग पिजन बॉट फॉर रिकॉर्ड $1.9 million, ठीक है, तो इसका नाम न्यू किम इज वर्थ हर वेट इन गोल्ड एंड देन सम, तो ये एक न्यूज़ थी यहाँ पे। ये आर्टिकल की मैं बात कर रही थी, रिमेनिंग इन द बिग 5 एंड ओनली विलिंग कंसेंट कंटिन्यूटी इन म्यांमार, हाउ टू एंड पॉल्यूशन फर्टाइल अपॉर्चुनिटी, मोहम्मद अलमसारी, ठीक है, तो काफ़ी सारी न्यूज़ कल थी बट मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। 6 कंट्रीज़ विद हाइएस्ट टैली ऑफ इन्फेंट्स हु डिडंट गेट मेजल वैक्सीन, बागानवेल ब्रॉट अंडर कंट्रोल फायर डॉज कम्प्लीटली। तो आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो थैंक यू, हैव अ नाइस नाइस डे।